लेकिन इसी के अंदर एक बड़ा भेदभाव लेकर आया है, वो भेदभाव मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सिपाही से लेकर हवलदार तक कुछ मामूली से मिला है, तो फिर हमारा JCO रैंक को बिल्कुल नहीं है। JCO रैंक जो भी आज का JCO जो पेंशन आ रहा है, वो जो पेंशन ले रहा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए पिछले वाले के लिए लागू नहीं होता। हमारे लिए भी लागू है, बाकी किसी के लिए लागू नहीं है, इसलिए ये कम से कम 40 साल तक इसको ऊपर आवाज़ नहीं उठा। आवाज़ करने वाले एक भेदभाव होता है, तो उन्होंने भी तो धरना कर रहा है। जैसे ये जो कानून आया, तो हमारा अफसरों ने चलाकी के साथ में जो अपना पेंशन को बढ़ोतरी करने के लिए ORP का ये लाभ नाम लिया, और 2013 में जो रिवाड़ी में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम देश में हर स्टेट में बहुत संगठन जो हमारा पूर्व सैनिकों का बना हुआ है, लेकिन किसी भी संगठन के पास एक भी इतना ही भी हिम्मत नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक बैनर तक ठीक से नहीं बना पाया। ₹60,000 करोड़ पूर्व सैनिकों के लिए दिया है, और बोलती है कि हमने दे दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अधिकारी वर्ग के लोग आपके तक पैसा नहीं पहुँचा रही, या फिर सरकार झूठ बोल रही है? नहीं, 60,000 करोड़ नहीं है, 1,00,000 करोड़ रुपीस दिया करके हमारा राष्ट्र, हमारे मोदी जी ने तो ये कई रैलियों में कहा है, कभी 60 करोड़ कहा, कभी 73,000 करोड़ का, कभी 96,000 करोड़ कहा। उनका तो साफ कहना है कि हमने तो पैसे दे दिए हैं, और फिर भी आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वो आप तक पैसे नहीं पहुँचे, या फिर अपर रैंक के अधिकारी आने नहीं दे रहे हैं आप तक पैसा? हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 65,000 करोड़ भी बताया था, 70 करोड़ भी बताया था, और 95,000 करोड़ भी बताया था। हमारा राष्ट्रपति जी ने आगरी में 1,00,000 करोड़ रुपये भी बताया था, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर, जो वन रैंक वन वन एक भी आया था, दो भी आया था, दोनों में मिला के दिया है। तो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा सिपाही से लेकर जो हवलदार तक का जो रैंक्स होता है, उनके लिए मामूली से पैसा मिला है, जो 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये के बीच में एक महीने का बढ़ोतरी हुआ है, और जो 60,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये का जो विभिन्न रैंकों के बीच में एरियर भी दिया है, वो एरियर को 4 हिस्सा में उन्होंने बांटा भी है, वो समाप्ति भी हो गया, 4 हिस्सा भी हो गया, और 6-6 महीने का इक्वल इंस्टॉलमेंट का साथ में देने के लिए ऐलान किया था हमारा सरकार ने, और उसके बाद में हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3-3 महीने के अंदर देने का आदेश दिया, उसके वजह से वो 3-3 महीना हो गया, उसके बाद हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन इसी के अंदर एक बड़ा भेदभाव लेकर आया है, वो भेदभाव मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सिपाही से लेकर हवलदार तक कुछ मामूली से मिला है, तो फिर हमारा JCO रैंक को बिल्कुल नहीं है। JCO रैंक जो भी आज का JCO जो पेंशन आ रहा है, वो जो पेंशन ले रहा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए पिछले वाले के लिए लागू नहीं होता है, मतलब ये ज़्यादा ले रहा है ना। तो कौन भेदभाव कर रहा है, सरकार कर रही है, या फिर अधिकारी रैंक के लोग कर रहे हैं? देखो, अधिकारियों ने इसका एक टेबल बनाकर सरकार को दिया है, एक डमी टेबल है वो, जो कि उस टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट होता है उसी के लिए होता है ORP। तो उस ORP स्केल को हमारा अफसर रैंक में भी चला गया, अफसरों रैंक के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब लागू नहीं है। हमारा एक कोशियारी कमेटी बना हुआ पहले से, उसी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, जो जो हमारा ORP जो है वो सिर्फ अप टू सुबेदार मेजर तक की है, जो कि हम लोग 60 साल की उम्र तक कवर नहीं कर पा रहा है, बाकी फोर्सों के जैसा, और साथ साथ हमारे अफसरों के जैसा, या हमारे डिफेंस सिविलियन के जैसा, या केंद्र कर्मचारी जो दूसरा रहता है उन लोगों के जैसा, हम लोग पूरा सर्विस नहीं कर पाता है, हमें यंग में निकलना पड़ रहा। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो लागू है, बाकी किसी के लिए लागू नहीं है, इसलिए ये कम से कम 40 साल तक इसको ऊपर आवाज़ नहीं उठा। आवाज़ करने वाला हमारा अफसर है, हमारे साथ में वो हमारा लीडर है, उनके लिए उसमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए लोग उसके लिए बात नहीं करता था, इसलिए 40 साल से कोई भी सरकार उसको ऊपर दिमाग नहीं लगाया। अभी जाके कंट्रीब्यूशन पेंशन जो शुरू हो गया हर जगह पे, जो आपने देखा है OPS और NPS जो बोल रहा है, OPS मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 2014 का पहले जो भी जो रिटायरमेंट आया हुआ है, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, और जो उसका बाद जो निकल के आया है उनको NPS बोलता है, न्यू पेंशन स्कीम आता है, तो उसको पेंशन अलग है। तो एग्जाम्पल ऐसे है, अगर 2014 का पहले का एक रैंक है, मतलब पब्लिक का जो बात बता रहा हूँ मैं सेना का नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसको 10,000 रुपये पेंशन था, हमारे लिए एक इंजीनियर है, एक असिस्टेंट इंजीनियर, अगर 10,000 रुपये पेंशन था, लेकिन 2014 के बाद आया हुआ जो पेंशन वाला इंजीनियर है उसका उतना नहीं है, इसलिए नहीं है, इनका पैसा कंट्रीब्यूशन से निकलता है तो उसमें उतना बना नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक भेदभाव है उसके अंदर, तो उन्होंने भी तो धरना कर रहा है। जैसे ये जो कानून आया, तो हमारा अफसरों ने चलाकी के साथ में जो अपना पेंशन को बढ़ोतरी करने के लिए ORP का ये लाभ नाम लिया, और 2013 में जो रिवाड़ी में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम पर उम्मीदवार थे,
जो प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने एक बंद कमरा में बैठ के अफसरों का, अफसरों ने स्टेज में बैठा था, लाखों पूर्व सैनिक नीचे बैठा था, तो अफसरों ने ही इतना भीड़ को लेकर आया था। अब कभी भी कोई राजनीति पार्टी वही देखता है, बिल्कुल राइट है, अफसरों ने ही लेकर आए थे। तो उस जगह पे जो उन्होंने बंद कमरा में चर्चा किया, ओ आर ओ पी उनको भी उन्होंने देंगे करके बोला। पिछले सरकार 500 करोड़ रुपए जो ओ आर ओ पी ऐलान करके चला गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अफसरों को भी मांग रहा है, तो देखा तो जो 8000 करोड़ चाहिए, तो सरकार किसी न किसी तरीके से वो देने में डिले कर दिया, यहाँ प्रोटेक्ट शुरू कर दिया अफसरों की तरफ से। अब उन्होंने हमारा साथ में आके हमें भ्रमित कर दिया, जो वो अपना अन्य फ्यू मांगना शुरू कर दी। वो हर जगह पर हमें हमारा स्ट्रेंथ दिखाते थे, धोखा दे रहे थे। अब उस धोखा भी पता चलने के बाद हम अपना टेंट अलग कर दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसके लिए अलग स्टेज बनाया, तो उसी के ऊपर हंगामा हो गया। जो आज एक साल से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो देश में हर स्टेट में बहुत संगठन जो हमारा पूर्व सैनिकों का बना हुआ है, लेकिन किसी भी संगठन के पास एक भी इतना ही भी हिम्मत नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक बैनर तक ठीक से नहीं बना पाया। जो हम लोगों ने यहाँ ऐसे ऐसे बैनर बनाया था यहाँ पर, जो सेवादारी के पीछे, गुलामी के पीछे, मेडल को खाया हुआ पीछे, सब हमने यहाँ पर बैनर लगाया था। उस बैनर के पीछे जो एडवाइजरी भी यहाँ उतर के आए थे सेना मुख्यालय की तरफ से, हर जगह से हमको यहाँ से गदेड़ने की कोशिश किया, लेकिन हमने संदेश दे रहा था सरकार को, सेना के अंदर गुलामी क्या चलता है। तो सरकार कहीं ना कहीं जगह पर जाके इसको ऊपर से सतर्क हो चुका है, तभी जाके हमको बैठने के लिए परमिशन मिला है। 358 डेज हमने यहाँ बैठा हुआ, यहाँ बैठने के लिए परमिशन हमको सरकार से चाहिए, सरकार दे रहा है, रोज़ दे रहा है। तो सरकार को पता है हमारा मांग जायज है, लेकिन सरकार किसी ना किसी तरीके से हमारा बात को पूरा इसलिए नहीं कर पा रहा है, वो मजबूर है। हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी 75 साल से जो बना कर रखा हुआ एक दीवार है, वो दीवार को वो मजबूती से वो तोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हम उसको गिराना चाह रहा है। लेकिन जैसे जो हमारे साथ में जत्थाबंदी मिलके हमारे साथ में जुड़ने का कोशिश करता है, तो हमारा अधिकारी चालाकी के साथ उसको अपने जगह पर खींचता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी को कोई कमज़ोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बताना चाहता हूँ, वो ये है 28 लाख पूर्व सैनिकों का जो बीच में जो 50 CPC का टाइम पर जो अनपढ़ फौज के अंदर जाते थे, मैट्रिक भी नहीं जाता था, तो सेना के अंदर का पढ़ाई करके आना पड़ता था। सेना का अंदर का जो पढ़ाई किसी अफसरों का रेकमेंड के बिना हो नहीं सकता है, सभी के लिए वो नसीब में नहीं लगा है, और अफसरों का केयर ऑफ में ही जो एक सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन बन सकता है, वो 10% है। 90 आदमी सिपाही से 35 को मन में रिटायरमेंट होके आ जाएंगे, केवल 10 आदमी आगे बढ़ेंगे, वो नायक, हवलदार और सूबेदार मेजर बनेंगे। वो 10 में एक बनने वाला एक सिस्टम है, और वो मैट्रिक से नीचे पढ़ाई किया है, तो सेना के अंदर समकक्ष को पढ़ाई भी पूरा करना पड़ रहा है। इसके लिए जो हर एक काम इकट्ठा नहीं होता, पूरा सर्विस के दौरान करना पड़ता है, तो बहुत कुछ उसके लिए चमचागिरी करना पड़ता है। ऐसे लोगों को चुन चुन के अफसर हेड संगठन के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी हेड बना कर रखा है। ये लोग अपना जगह पर बैठ के जो हमारा असली आंदोलन को जंतर मंतर में जो एक साल से चल रहा है उसको तोड़ने का कोशिश किया है, अभी भी वही हो रहा है हर जगह पर। लेकिन हम फिर भी जंतर मंतर कमर डटे हैं, और एक बड़ा पूर्व सैनिक का जो एक संघ अपना घरों में बैठ के हमारा इसका समर्थन दे रहा है, मजबूरी है हमारा पूर्व सैनिक में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 90% पूर्व सैनिक 35 को उम्र में आने के बाद 35 से लेकर 60 साल की उम्र तक उसको दूसरा एक नौकरी करना पड़ रहा है, उसको उनका वेतन आधा हो गया तो पेंशनों के आया, उसी में से आधा फिर हो गया कंप्यूट कट रहा है, उसके बाद जो आधा मिल रहा है उसी में से वो खुद ही एक लोन लिया होगा उसका EMI कट रहा है, उनको किसी भी जगह पर नौकरी करना पड़ रहा है। वो कोई किसी भी सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता होगा, सिक्योरिटी गार्ड का जो एजेंसी जो होता है वो भी अफसर चलाता है, और अफसर चलाने वाला एजेंसी से निकल के जंतर मंतर में नहीं आ सकता है। अगर जंतर मंतर में आ गया, वापस जाते ही उसका नौकरी छीना जाएंगे, ऐसी स्थिति में वो भी मजबूर है। हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाता है हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी, और उन्होंने हमें तोड़ने के लिए, मैंने बताया, वो इसी जैसा चयन प्रक्रिया बना कर रखा है, उन्हीं को यूज़ कर लेता है, वो किसी ना किसी तरीक़े से अपना जगह पर बैठ के भड़काते रहता है। लेकिन जंतर मंतर का आदोल आगे बढ़ के जा रहा है, और 20 तारीख को जो हमारा एक साल होने वाला है, आने वाला टाइम पर हमने आचार संहिता होने के पहले हम सरकार को दिखाएंगे जो पूर्व सैनिक का जो आंदोलन क्या है, और आने वाला टाइम पर मान लो सरकार भी बनेंगे, दूसरा सरकार भी आएंगे, कुछ भी आए, लेकिन हमने जो आवाज़ उठाया हुआ है, हमारा गुलामी प्रथा से बाहर आना है, हमने एक ही मांग किया हुआ है, केवल एक जुडिशियल कमेटी, ये हमने लिख के रखा है। हमको उच्चतम न्यायालय का 3 रिटायर्ड जज चाहिए हमारा कमेटी में, उसका चयन भी जो मुख्य न्यायाधीश करना चाहिए, जो उसी का जो निर्णय होगा अंतिम, 3 महीने के लिए मांगा है हमने,
ये देने में सरकार को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार किसी न किसी तरीके से हमें मना कर रहा है। तो हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी हर जगह पर रहता है, हर क्षेत्र में रहता है, मिनिस्टर भी है, उसमें गवर्नर से भी निकल के आए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तरीक़ा से लेके हमारे ऊपर रोक लगा रहा है। सर अभी आपने बोला कि 20 तारीख को एक साल हो जाएगा, यदि आप मान लो उसके रिगार्डिंग आप विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते हो और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी आपकी, तो फिर आगे का प्लान क्या होगा? अभी आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, तो फिर आगे आपने क्या सोचा है? आचार संहिता लागू होने के बाद एक बड़ा रूलिंग होता है, पुलिस के पास जो परमिशन लेने वाला काम बंद हो जाता है, हमें फिर यहाँ बैठने के लिए इलेक्शन कमिश्नर से जो परमिशन लेना पड़ता है। और आचार संहिता के टाइम पर इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही जो राजनीतिक पार्टी के लिए परमिशन दिया जाता है, उस टाइम पर हमारा कोई आंदोलन नहीं चलेंगे। लेकिन हमारा जो देखो एक हमने ये कभी नहीं सोचा था, हमने ये आंदोलन पर बैठते टाइम पर ये एक साल होंगे, हम तो सोचा था ये एक हफ्ते में ख़त्म होंगे, नहीं तो एक महीने में ख़त्म होंगे, दो महीने में होंगे, तीन महीने में होंगे, सौ दिन में होंगे, जो हमने इसी जैसा हमने सोच के आगे लेकर जा रहा था। लेकिन उसके बीच में तमाम जो षड्यंत्र भी यहाँ पर हुआ है, हमने देखा जो संगठन हमारे साथ में हाथ मिलाया था शुरू से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, जो वो संगठन आज भी साथ दे के आंदोलन को आगे लेके आया हुआ है, लेकिन कुछ संगठन उसके साथ में आके फेडरेशन का नाम लेकर फेडरेशन बनते टाइम हमारे साथ में जुड़ा, और धीरे धीरे उसमें से कुछ संगठन हमारा साथ रहा, कुछ संगठन उसमें से टूट के फिर चला गया, वो अपना अपना क्षेत्र में जाके अपना अपना चेहरा चमकाने वाला काम वो दिखा रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ जो दिखावा एक होता है, जो खास तौर पर इसके ऊपर दिखाने वाला बात मैं बता रहा हूँ, साउथ इंडिया से जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट से सिर्फ पूर्व सैनिक व्यक्तियों में यहाँ पर आए थे, लेकिन कोई संगठन अभी तक समर्थन नहीं दिया। और आंध्रा से भी ऐसे है, तेलंगाना से भी ऐसे, तमिलनाडु स्टेट से 21 संगठन हमारा साथ दिया था, अब इस महीने में आके 11 संगठन और साथ दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा जंदर मंदर का आंदोलन को जो उन्होंने 15-15 दिन तीन बार यहाँ पर चला के भी दिया है। केरला स्टेट से यहाँ पर 5 संगठन आए थे, मैं खुद ही केरला का रहने वाला है, 5 संगठन आए थे। केरला स्टेट ने जो उनको यहाँ पर जो चंदन मंदिर पे हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बोलते थे, पढ़े लिखे स्टेट है, बहुत एजुकेटेड स्टेट है, जो बहुत बड़ा चढ़ाके भी बोलते थे, लेकिन वो इधर आके हमारे साथ में साथ दिया। उसके बाद यहाँ पर 4-5-10 दिन तक यहाँ पर रह के भी गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाके उन्होंने अपना एक फेडरेशन बनाया। उस